नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप लोग अच्छी तरह से होंगे यही मैं कामना करती हूं और भगवान आपके दिनों दिन तरक्की करे यही मैं आपके लिए प्रे करती रहती हूं हमेशा। और आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं कि कई बार जीवन में बहुत मुश्किल और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में क्या करना है। मित्रों, आपने पिछले दिनों भी जो जितने भी टीवी के चैनल्स हैं उनमें कुछ खास कहानियाँ देखने को मिली, उसमें एक ऐसी लड़की के बारे में जानने को मिला जो जिसको डिसेबल करार दे दिया था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसके अलावा मैंने सिंधु ताई सपकाल जी के बारे में भी पढ़ा और देखा उनके बारे में, और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उनके बारे में सब कुछ जानूँ। और जब जाना उनके बारे में तो अश्रुधारा छलक गई। और ये सब हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं जब हम अपने घर में वास्तु दोष ढूंढते हैं कि हम घर में, कई लोग कहते हैं कि हमारा घर में मन नहीं लगता, हमको घर रहने लायक नहीं लगता। तो मैं उनको बोलूँगी जरा आप उनकी तरफ भी दृष्टि डाल के देखो जिन्होंने, जब सर छुपाने को जगह नहीं थी तब उन्होंने शमशान में आश्रय लिया और कुछ समय वहाँ पर बिताया उन्होंने। तो ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसे जो महिलाएँ हैं वो नमन और प्रणाम करने की उनको इच्छा होती है बार बार, और जीवन में हमें प्रेरणा देती हैं। तो जो लोग अपने जीवन में हताशा और निराशा को लेकर परेशान हो रहे हैं वो ऐसे लोगों की तरफ दृष्टिपात करें और उनसे कुछ सीखें कि ज़िंदगी में मुश्किल और जटिल क्षणों में भी लोग जीने की जिजीविषा को रखते हैं और हम सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ है हमारे पास लेकिन फिर भी उसमें से कमियाँ निकाल कर परेशान होते हैं। तो अपना दृष्टिकोण ही आपको बदलना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सी खास बात होती हैं जो हमें सिखाती रहती हैं। तो हमेशा कोई भी मोटिवेशनल आप स्पीच सुनिए, अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़िए, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। और जिनका घर में मन नहीं लगता है उनको मैं आज एक बहुत बढ़िया टिप देने जा रही हूँ, उसको अगर वो अपना लेंगे ना तो उनको अपना घर स्वर्ग से भी बढ़कर लगने लगेगा। आप किसी भी 2 दिन ऐसे लोगों के घर में रुको जो कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, 2 दिन रुक के देखो। और 2 दिन ऐसे रिश्तेदारों को भी परखो जो आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मित्रों, मेरे एक मिलने वाली हैं जो कि अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करती हैं। अभी पिछले दिनों ये बिल्कुल सत्य घटना हुई, वो अपने रिश्तेदार के घर पे रुकी, वहाँ पर ना उनको टाइम पे ढंग का खाना मिला, ना उनको रहने के लिए ढंग से व्यवस्था हुई, और वो 2 दिन में इतनी परेशान हो गई कि वापस अपने घर आई। और जब अपने घर आई तो उनको अपने घर स्वर्ग जैसा लगा, क्योंकि आप अपने घर में स्वतंत्र होते हो, जब मर्जी जब रसोई में जो काम कर लो, कमरे में जैसे मर्जी वैसे सोना है। दूसरों के घरों में आपको दूसरों की शर्तों पर रहना पड़ता है। कई बहुओं को तो बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, वो अपनी इच्छा से ना खा पी सकती हैं ना अच्छे कपड़े पहन सकती हैं, हर वक्त जैसे एक कैदी की तरह उनको जीना पड़ता है। तो यहाँ मैं बोलूँगी संस्कार संस्कार होते हैं, संस्कार बेड़ियाँ नहीं होते। तो आप ऐसे लोगों के घरों में रहकर देखो जहाँ संस्कार के नाम पे लोगों ने बेड़ियों से जकड़ रखा है रिश्तों को, तब आपको अपने घर का एहसास होने लगेगा और आपको लगेगा कि आपके घर तो कितना बढ़िया है, आपका घर तो स्वर्ग से भी बढ़कर है, और आपको अपने घर से प्यार होने लगेगा। अपने घर में मौजूद एक एक चीज़ को आप थैंक्स बोलो, एक एक चीज़ भगवान का वरदान है आपके लिए, कोई भी चीज़ निष्क्रिय नहीं है। वो प्रेम की भावना आपको अपने भीतर से ही पैदा करनी पड़ेगी और तब आपका ना केवल अपने घर में मन लगेगा, आप अपने घर को इतना प्यार करोगे कि आपको अपने घर को छोड़कर कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होगी। कई बार नज़र भी लगती है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से भी घर में मन घबराता है। तो घर में पॉजिटिव माहौल रखिए, घर में पूजा पाठ टाइम पे करिए, घर में धुनी वगैरह दीजिए घर में, तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा। और कुछ भी नकारात्मक चिंतन आप मत लाइए, आप एक एक चीज़ में परमात्मा को देखिए कि घर की एक एक चीज़ में परमात्मा का निवास है, फिर आपको सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।